So hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. Hello, hello, सभी को hi, hello, good evening. और मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, आप बताओ कैसे हो. यश सोलंकी मुस्ताक हाय हेलो हाई आइए, स्वागत है आप सभी का. आप सभी व्यूवर्स का, मेंबर्स का, सब्सक्राइबर्स का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ. हेलो हेलो उर्वशी पटेल, हेलो आइए आइए. चलो तो आप सभी के सामने एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हूँ आज की इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए. तो अगर आप सभी की अनुमति और इजाज़त मुझे मिले तो हम आज की इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे. उससे पहले सभी को मैं फिर से एक बार हाय हेलो कह दूँ, गुड इवनिंग कह दूँ. और कुछ लोगों को थोड़ा जुड़ जाने देते हैं. हाँ साहिल चावड़ा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हूँ. मुझे पता है बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, उनमें से आप भी एक हो. तो जो भी इंतज़ार कर रहे थे तो उनकी इंतज़ार की घड़ी आखिर अब ख़त्म हो चुकी है, आज की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है. तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी DRCS के ग्रुप में से बंदा यहाँ पर देख रहा हो या बंदी देख रही हो तो वो इस लाइव स्ट्रीम को हमारे उस DRCS वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करे. मैं हर बार आपको कहता हूँ लेकिन कोई शेयर नहीं करता, तो ज़रा इतना काम कर दो तो अच्छा होगा. शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपकी जो स्क्रीन है उसके यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन होता है, ठीक है, कुछ ऐसा साइन का, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे आप उसे शेयर कर सकते हो कहीं भी. आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे DRCS के ग्रुप के अंदर ही शेयर करना है, ठीक है. चलिए तो ज़रा आप में से कोई मुझे शेयर करके बता दो, कंफर्म करवा दो कि सर मैंने शेयर कर दिया है, तो फिर हम आगे बढ़े. और लोग इतने कम हो गए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये क्लास की स्टार्टिंग नहीं मतलब एंडिंग है. शुरुआत में ही जब इतने कम लोग हैं तो फिर ख़त्म होते होते पता नहीं कितने हो जाएंगे. आज के आज मूड नहीं क्या आप लोगों को पढ़ने का? आज वैसे मैं भी सर मैं 4 ने शेयर करिए. अच्छा अच्छा नहीं, आपको अलग अलग लोगों को शेयर नहीं करना है. साहिल आपने शेयर किया है, मैं उसकी कद्र करता हूँ और थैंक यू सो मच फॉर दैट. लेकिन आपको अलग अलग शेयर नहीं करना है, आपको हमारे DRCS के ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है. जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है आप सभी के लिए, उसके लिए हमने आपको शेयर करना है, ठीक है ना. तो मोहन कह रहे कि मुझे RCC स्ट्रक्चर सीखना है, तो हम वही सिखा रहे हैं. उर्वशी पटेल सर आप स्टार्ट कीजिए, ज़रूर ज़रूर. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अच्छा आप में से जो लोग रेगुलर देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स से, जरा पहले मुझे ये बता दो कि कल तक मतलब हमारे प्रीवियस लेक्चर तक, प्रीवियस क्लास तक हमने कितनी कितने पोर्शन को हमने कंप्लीट किया था, आखिरी टॉपिक हमारा कौन सा था, लास्ट में हमने किस चीज़ की डिज़ाइन की थी, कोई बताएगा मुझे. हरिअप मुस्ताक नहीं सर मैं नहीं हूँ ग्रुप में, तो आप ग्रुप में हो जाओ, आ जाओ. मतलब क्यों नहीं हो ग्रुप में आप? मैंने आपको बताया था ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. उस चैनल के अंदर मैंने आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, तो जाओ फटाफट वहां पर ज्वाइन हो जाओ उससे, ठीक है. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या डिज़ाइन किया था, कोई बताएगा मुझे. अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बातें थोड़ी कम करें हम लोग और अब काम ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है. वैसे भी आज मेरा मूड नहीं था आने का, लेकिन ज़बरदस्ती आना पड़ा है क्योंकि समय कम है. तो शॉर्ट वॉल को हमने डिज़ाइन किया था या करने वाले थे, हमने किस पोर्शन को डिज़ाइन किया था, किस पोर्शन को डिज़ाइन किया था हमने, मुझे ये जानना है. इसका अब तक मुझे किसी ने सही उत्तर नहीं दिया है. इसका मतलब ये है कि या तो आपका ध्यान नहीं है या फिर अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो क्लास के लिए, आज की क्लास के लिए. आप में से किसी को आंसर देना ज़रूर होगा इसका, तभी हम आगे बढ़ेंगे. डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल एट सेंटर, ठीक है. डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल हो गया था, लॉन्ग वॉल की डिज़ाइन हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी, याद है आप सभी को. हमने
लॉन्ग वॉल की डिज़ाइन कंडीशन वन के लिए। कंडीशन वन मतलब अगर आपकी टैंक अंदर से खाली हो और बाहर से सैचुरेटेड सॉइल प्रेशर हो तो आपकी वो कंडीशन के अंदर लॉन्ग वॉल को हमने डिज़ाइन कर लिया था, ठीक है। अब हमारी जो कंटिन्यू होगी वो शॉर्ट वॉल से हम करेंगे डिज़ाइन, शॉर्ट वॉल से डिज़ाइन हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टैंक एम्प्टी, हाँ हाँ वही, चलो अब हमारे मतलब रेगुलर व्यूवर्स जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं तो अब हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम शॉर्ट वॉल, अब देखो शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन के अंदर बहुत आसान चीज़ें हैं, करना वही है आपको। शॉर्ट वॉल के अंदर जो सपोर्ट सेंटर के ऊपर मोमेंट होता है वो आपको पता है, बस उसके अकॉर्डिंगली आपको उसी के लिए वहाँ पर रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि टेंशन तो है नहीं वहाँ पर। वहाँ पर टोटली क्या है, कंप्रेशन है, बिकॉज आपकी जो टैंक है वो अंदर से खाली है और बाहर से क्या लग रहा है, उसे पूरी तरह से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। बाहर से क्या हो रहा है, पूरी तरह से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो उसके अंदर कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के लिए हमें रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हमें रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट आपको पता है सपोर्ट के ऊपर, चलो बताओ मुझे जरा कि सपोर्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितनी है शॉर्ट वॉल के अंदर, जल्दी करो मुझे बताओ कि सपोर्ट के ऊपर शॉर्ट वॉल के अंदर बेंडिंग मोमेंट कितनी है। हरिओम, शॉर्ट वॉल जल्दी करो, सपोर्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितनी है। और मैंने आपसे कहा था कि आपको हमारे इन क्लासेस की एक नोट अलग से बनानी है, नोटबुक, ठीक है, वो आपको बनानी है, तो शायद आपने बनाई होगी। कितने लोगों ने बनाई है जरा मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे ही हम अंधाधुनी चले गए तो मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। आपको थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक चलना होगा अगर आपको हमारी क्लासेस को अटेंड करना है इस तरह से, तो ठीक है, मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ये, तो आपको थोड़ा सहयोग करना होगा, कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करना होगा तो मज़ा आएगा, और है ना। तो 73.89, और किसी को पता है, मैंने, चलो जिसने भी बनाई है वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी दिल से पढ़ रहे हैं, शिद्दत से पढ़ रहे हैं, और उन सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और बाकी जो लोग नहीं बना चुके हैं, नहीं बना पाए अब तक, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि भाई नोटबुक बना लो तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलो तो 73.89 किलो न्यूटन इंटू मीटर आपकी जो है इसके अंदर सपोर्ट मोमेंट है। अच्छा कोई बताएगा कंप्रेसिव फोर्स वहाँ पर कितना है, कंप्रेशन वहाँ पर कितना है, कोई बताएगा मुझे। मिहिर गुजराती ने बना ली है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कंप्रेशन कितना है कोई बताएगा मुझे। चंदन पाठक, हाय हेलो, आइए स्वागत है आपका। 95.01 आपका इसमें कंप्रेशन है, और किसी को पता है, अहमद और साहिल के अलावा, मिहिर देन मुश्ताक देन अहमद देन सॉरी मिहिर और कौन है हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स है, चार लोग तो मुझे बस चार लोग ही मुझे ज़्यादातर जवाब देते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या करते हैं। और अभी तो लोग भी बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कम लोगों की वजह से क्लासेस को रोक दें, तो ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें मोटिवेट किया करो हमारी क्लासेस के अंदर बैठने के लिए। चलो तो कितना था, 95.01 किलो न्यूटन, कितना था, 95.01 किलो न्यूटन आपका ये कंप्रेशन फोर्स यहाँ पर था, कंप्रेशन था, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस बेंडिंग मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट को जब प्रोवाइड करते हैं, हाँ देखो ऐसे मुझे रिप्लाई आने चाहिए, ठीक है। शमसुद्दीन कब से पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन अब ये जो है इन्होंने देखा कि अब मैं ये क्लासेस बंद होने वाली हो सकती है, तो देखो इन्होंने कितने जल्दी रिप्लाई किया। तो जब मैं सवाल पूछता हूँ बाकी चीज़ों का, उसका भी जवाब इसी तरह से फटाफट दिया करो, है ना, ये आदत अपने अंदर लगाओ, अभी आदत शुरू करो। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट सॉरी ए एस टी फॉर मोमेंट डायरेक्ट यहाँ पर कर लो, AST for moment, तो M upon sigma ST into J into D, यही होगा। तो ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। अब देखो यहाँ पर कोई सब कुछ तो अलग, मतलब वही है,
साहिल कह रहे कि सर मारे पूछवानू हतु पीटी नू। अच्छा हाँ 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 अच्छी अच्छी बात आपने याद दिला दी, वेरी गुड। तो देखो आपको ये अगर जानना है कि ये कहाँ दे रखा है 0.24% स्टील हमें यूज़ करना होता है वो कहाँ दे रखा है, तो देखो आपको मैं बकायदा यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने से और सुनने से और अच्छी तरह समझ में आ जाए, डबल इम्पैक्ट कहते हैं ना उसे। तो देखो आपको जाना है IS 3370 पार्ट टू में, ठीक है, पार्ट टू के अंदर जाना है पेज नंबर 5 के ऊपर क्लॉज नंबर 8.1 के अंदर। इतनी डिटेल में मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, ये चीज जो है अच्छी तरह से अपने IS 3370 पार्ट टू पेज नंबर 5 क्लॉज नंबर 8.1 क्लॉज 8 मतलब डिटेलिंग जो है आपका वहां पर डिटेलिंग करके क्लॉज 8 है उसका 8.1 उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसके अंदर जाओ आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी इसको लेकर। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए अगर आप शायद भूल जाओ तो आपको उसमें से देख के पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो भाई कितनी आ रही है आपकी AST, आपने कैलकुलेट किया कि AST कितनी आ रही है, कैलकुलेट किया किसी ने AST कितनी आ रही है? टू सिक्स फोर जीरो पॉइंट फाइव एट, वेरी गुड। और कोई है, और कोई मिहिर गुजराती के अलावा और कोई है भाई साहब या बहन जी जो भी, जल्दी करो जवाब दो फटाफट, मुझे जवाब चाहिए, मुझे रिप्लाई चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए आपकी, ठीक है। सचिन वेरी गुड, नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई? मुश्ताक का आ गया, मिहिर का आ गया, सचिन का आ गया, तो आपका क्यों नहीं आता 2640.5? ये तो बिल्कुल सही आंसर है, आपका क्यों नहीं आ रहा है? देखो अपने आपको थोड़ा करेक्ट कर लो, बाकी आंसर तो वही है 26 कितना था 2640.58 ठीक है। तो ये आपकी AST आ गई है 20 mm डायमीटर के, 12 प्रोवाइड कर दो अपने हिसाब से, स्पेसिंग प्रोवाइड कर दो और वहां पर AST प्रोवाइड करो एंड देन इट इज ओके डन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बड़ी आसान तरीके से सपोर्ट के ऊपर लॉन्ग वॉल में सॉरी शॉर्ट वॉल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया यस और नो? समझ में आ गया हो तो यस लिखो, अगर समझ में नहीं आया है तो अपना डाउट लिखो, जल्दी करो, समझ में आ गया तो यस लिखो। हरी अब आवे क्यों ना, हाँ वेरी गुड, आ जाना चाहिए वैसे, ठीक है। चलो तो कुशाल ठक्कर, देखो ये कुछ नए नए चेहरे मतलब नए नए नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पता नहीं ये अभी मैंने क्लास बंद करने की घोषणा की इसके लिए हुआ है कि फिर ये दिल से यार आज मतलब पहली बार आ रहे हैं, जो भी है पढ़ो यार। देखो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इतनी अच्छी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ कोचिंग वगैरह, तो आप इसका फायदा उठाओ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है, हमने सपोर्ट के ऊपर देख लिया, अब कोई बताएगा मुझे कि सेंटर के ऊपर कितनी मूवमेंट थी, वहां पर सेंटर मोमेंट कितनी थी, कोई बताएगा मुझे शॉर्टर वॉल के अंदर सेंटर मोमेंट कितनी थी, जल्दी करो। हरी अब शॉर्टर वॉल में सेंटर में मोमेंट कितनी थी? और अब लगभग तो आपके मतलब सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो ही गए होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि सर किस चीज़ को किस तरह से कब और कहाँ अप्लाई करना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे या फिर रोज़ हमसे पढ़ाई करोगे हमारे क्लासेस के अंदर आओगे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आसानी से स्टेप्स भी आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ओके तो 68.62, हाँ अहमद आपका जवाब मुझे मिला है AST का, बहुत अच्छी बात है। चलो 68.62 आपकी सेंटर मोमेंट थी क्या शॉर्टर वॉल के अंदर? शॉर्टर वॉल के अंदर आपकी 68.62, एक बार फिर से आप अपने आप को देख लो, करेक्ट कर लो, शॉर्टर वॉल में मतलब स्पान AD के अंदर सेंटर मोमेंट कितनी थी? स्पान AD के अंदर सेंटर मोमेंट कितनी थी, ज़रा अपने आप को करेक्ट कर लो, कम ऑन। ये जो आपने जवाब दिए हैं वो रॉन्ग है भाई साहब, गलत है। ये मिहिर ने जो जवाब दिया है वो अब सही है, -10.55 हमारी मोमेंट थी, हमारी सेंटर की मोमेंट। साहिल आपने माइनस लगाना भूल दिया, मतलब भूल गया हो,
तो -10.55 इज द करेक्ट आंसर. संदीप आइए, हाय. है ना, तो पहले जो आप दे रहे थे आंसर, यूजफुल ने जो भी जवाब दिया है वो यूजलेस है, ठीक है, मतलब वो जो है हमारे पास उसको मैच होता हुआ आंसर नहीं है. हमारा जो सेंटर मोमेंट था वो हमारे पास कितना है, -10.55 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये हमारी तरफ से आंसर है. इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है. तो बस आपको, और हाँ, वहाँ पर कंप्रेशन तो वही होगा जो हमारे पास टोटल था, कंप्रेशन 95 point something, ठीक है, 95.01 कंप्रेशन तो वही रहेगा आपस 95.01. तो बस आप यहाँ पर क्या करना है, आपको इस मोमेंट के लिए जो है, ये आपकी जो भी मोमेंट थी उसके लिए आप यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो, ठीक है. जो आपके पास अगर बुक है तो बुक में आपको ये है मिसकैलकुलेशन कर रखा है उन्होंने, -31 point something दे रखा है, ठीक है, तो वो मिसकैलकुलेशन की वजह से हुआ है. हाँ, यही मैं अहमद आपको यही कहना चाह रहा था, ठीक है, तो वो मिसकैलकुलेशन है. आपको -10.55 करना है. अब आपको क्या करना है, -10.55 लेना है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपको AST प्रोवाइड करना है वहाँ पर, ओके. इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो मुझे. वैसे बहुत सिंपल चीज़ है यार, आप एक चीज़ को, मुझे एक ही चीज़ को बार बार दोहराने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, ठीक है. मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इन सब चीज़ों को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है. तो डायरेक्ट मुझे AST बता दो अपनी जो भी आ रही है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से आपकी AST कितनी आ रही है, डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ. चलो हरी अप, AST = 377. संदीप कह रहे कि सर तमें बहुत सारू काम करी रिया छो, मने तमारी मेथड फावे छे. अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच आपके इस अप्रिसिएशन, सपोर्ट एंड प्यार के लिए. और इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे, ठीक है, चिंता मत करो. तो बताओ फटाफट मुझे AST कितनी आ रही है, जल्दी करो. माइनस AST, भाई AST कैसे माइनस हो सकती है. ये आपको AST के दौरान आपको इस माइनस साइन को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. AST के दौरान आपको माइनस साइन को कंसिडर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना. हाँ, ये AST के अंदर माइनस प्लस कुछ नहीं होता है ना. हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिहिर मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, ठीक है, मुझे पता था आपकी गलती हुई, छोटी सिली मिस्टेक है, लेकिन मैं मजाक कर रहा था, ठीक है. तो आप नेपाल से देख रहे हो, हरी कृष्ण, थैंक यू सो मच नेपाल से देखने के लिए और आने के लिए, आपका स्वागत करता हूँ मैं तहे दिल से. चलो तो खैर, 377 समथिंग आ रहा है आपके पास, है ना. तो 377 के हिसाब से 8 mm डायमीटर प्रोवाइड करो, जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, 10 mm करो, 12 mm करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप प्रोवाइड कर सकते हो. इसके अंदर जो है आपके पास अगर बुक है तो बुक के अंदर जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है 31 दे रखी है, उसके हिसाब से आपका 1100 mm² के आसपास AST आ रहा है, ठीक है, तो जो कि गलत है, उन्होंने मिसकैलकुलेशन की वजह से कर रखा है, तो हमने उसको करेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है. तो ये हमने इस तरह से प्रोवाइड कर देना. अब इसका रेनफोर्समेंट आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो ना, 8 mm प्रोवाइड कर दो डायमीटर के, उसके हिसाब से स्पेसिंग निकाल दो उसकी. स्पेसिंग सभी को निकालना आता है ना इसमें से, यस और नो, क्योंकि बहुत लोगों को मैं भी नहीं मतलब पहली बार देख रहा हूँ अभी, तो बता दो जरा मुझे आप में से कितने लोगों को स्पेसिंग आती है. यस, जिसको भी आता है वो यस लिखे, जिसको नहीं आता है वो नो लिखे, ताकि मुझे पता चले. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैंने आपको पहले ही कवर कर रखी है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले अच्छी तरह समझा दिया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होगी अब, ठीक है ना. Why too low people coming in live? Even I don't know. मुझे नहीं पता है कि इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं लाइव के अंदर. मैं भी यही अभी कन्फ्यूजन में हूँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मेरा यही है. शायद मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए. आप में से कोई करे तो अच्छी बात है, आपके कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो मेरा कन्फ्यूजन आप भी क्लियर करो और मुझे बताओ कि इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या बात है. इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ज़रूरत नहीं है, या फिर मज़ा नहीं आ रहा है. चलो खैर, जो भी है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है भाई साहब, शॉर्ट वॉल के लिए हमने यहाँ पर सेंटर में और इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया. डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. हमारा जो हमने मिनिमम निकाला था 360 mm² आ रहा था हमारे पास, है ना, 360 वही आ रहा था हमारे पास मिनिमम,
AST आ रहा था हमारे पास, अगर आपको पता है लॉन्ग बॉल के अंदर हमने निकाला था। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो गए, हमने आपने हमारे अगर प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा हमने यहाँ पर 360 mm² एक जोन के अंदर निकाला था मिनिमम स्टील। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर देना है मिनिमम के तौर पर, ठीक है। तो ये हमारी जो है पूरी तरह से शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अगर इसके अंदर आपको कोई भी जरा से भी कंफ्यूजन हो तो अभी मुझे बता दो, जल्दी करो, हरी अप। अगर समझ में आ गया है शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन आपको कंप्लीटली तो मुझे यस लिखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे नो लिखो, मतलब अपना डाउट लिखो, जल्दी करो। आपसे पूछ पूछ के आगे बढ़ने का कारण यही है कि आपको बीच में कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए फिर, ठीक है। कल को आप मुझे ये नहीं कहोगे कि सर आपने वो चीज़ बराबर समझाई नहीं थी, वो चीज़ मेरे समझ में आई नहीं थी, या फिर आप थोड़ा आगे निकल गए थे, स्पीड में निकल गए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो भी चीज़ें होती है ऑन द स्पॉट यहाँ पर कह दिया करो। वैसे तो हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है पहले से इन सब टॉपिक्स के ऊपर। मैं लाइव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लाइव के अंदर पढ़ने का कुछ अलग मज़ा होता है, लाइव के अंदर पढ़ाने का अलग मज़ा होता है, ठीक है। और वो कहते हैं ना एक माहौल अलग सा बनता है, और वहाँ पर ऑन द स्पॉट डाउट को हम क्लियर कर सकते हैं हमारे। तो यही इसलिए मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, वरना इन सारी चीज़ों को जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पर सारे जो है लेक्चर्स हैं अपलोडेड हैं ऑलरेडी हर टॉपिक के ऊपर, चाहे वो वाटर टैंक हो, G+3 बिल्डिंग हो, या फिर अपने रिटेनिंग वॉल हो, या फ्लैट स्लैब हो, अर्थक्वेक हो, जो भी है सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। चलिए, साहिल टुडे आपका बर्थडे है तो आपको हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी बर्थडे की, और यही विश है कि आप खूब तरक्की करो अपनी लाइफ के अंदर, खुद आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो और खूब सारी तरक्की करो, हैप्पी और हेल्दी रहो। चलिए, तो हाँ, मिहिर कह रहे कि मॉडिफाइड मोमेंट सर कहाँ लेना है वो नहीं पता चला, एक बार फिर समझा दो। देखो, मैंने आपको बहुत बार पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर भी समझाया है कि मॉडिफाइड मोमेंट आपको कहाँ लेना है, ठीक है। मॉडिफाइड मोमेंट आपको वहाँ लेना है जहाँ पर एक तो डायरेक्ट टेंशन आपके वाटर की वजह से लग रहा हो, डायरेक्ट टेंशन लग रहा हो, ठीक है। और देखो, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से अटेंड किया है मिहिर, मैं आपको पहले से देखते आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको हर स्टेप के अंदर बताते गया हूँ मैं कि यहाँ पर आपको मॉडिफाइड मोमेंट इसलिए लेना है, वहाँ पर इसलिए लेना है, यहाँ पर इसलिए नहीं लेना, वहाँ पर इसलिए नहीं लेना, ठीक है। तो आई थिंक आपके डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। अब इससे ज़्यादा आपको डीप में किस तरह से मैं समझा सकता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको समझाऊँ मैं कि मॉडिफाइड मोमेंट कहाँ लेनी होती है और कहाँ नहीं लेनी होती है। अच्छा, आपका कोई ऐसा छोटा सा डाउट हो मॉडिफाइड मोमेंट को लेकर तो वो मुझे बताओ। आपने ये तो पूछ लिया मुझे कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, उसका जवाब भी मैंने आपको पहले से ही दे दिया है कि कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है। अगर कोई आप मुझे कोर डाउट उसको अप टू दिस ओके है, ठीक है, अहमद को अप टू दिस ओके है, हाँ संदीप मैं लाइव इसलिए लेता हूँ, ठीक है, चलो ओके सर, देख लूँगा इस लेक्चर के बाद। हाँ, तो एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ओके। तो हमने क्या किया है कि ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक थी हमारे पास, ठीक है, अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक थी उसका जो शॉर्ट उसकी जो पहली कंडीशन के लिए हमने क्या किया, लॉन्ग वॉल को और शॉर्ट वॉल को डिज़ाइन कर लिया है। कंडीशन वन कौन सी थी हमारे पास कि अगर आपकी टैंक एम्प्टी हो और उसके सराउंडिंग सॉइल सैचुरेटेड हो तब, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हमारी कौन सी आती है, सेकंड कंडीशन कोई बताएगा आप में से मुझे कौन सी आती है, आपको ही बताना होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बताओ आप में से कौन कौन ऐसा है जो मुझे ये बता सकता है कि सेकंड केस कौन सा है, सेकंड कंडीशन कौन सी है। यस, मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर, गेट क्लियर वैन यू कम लाभ, हाँ दिस दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस लाइव सेशंस नाउडेज। धवल जाधव, हाय हेलो, आइए आइए। नो सॉइल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड एंड मिहिर आपका स्टेटमेंट अधूरा है। साहिल क्या कह रहे हैं कि टैंक इज फुल एंड नो प्रेशर ऑफ सॉइल, वेरी गुड, ये कंप्लीट है, ठीक है। सचिन ने भी आधा स्टेटमेंट दिया है, मिहिर सॉरी साहिल ने पूरा स्टेटमेंट दिया है उनका। क्या मतलब है इसका कि आपकी जो रेनफोर्स आपका जो टैंक है वो अंदर से भरा हुआ है और बाहर से उसको
किसी तरह का कोई भी सॉइल प्रेशर नहीं है। मतलब अगर आप गौर करें तो ये एक ऐसी टैंक हो गई जो हमारी रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, जो हमने पहले वीडियो के अंदर, वाटर टैंक के पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस, मतलब दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि भाई आपकी रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और बाहर बाहर तो कुछ होगा नहीं, इसके बाहर कुछ वो सॉइल वॉइल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही कंडीशन हो गई हमारी, वही हुआ ना, यस और नो, है ना। तो धवल रेट एनालिसिस का वीडियो है, रेट एनालिसिस का वीडियो अब तक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। हाँ, कोई भी एक कंडीशन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, 7 मार्क्स के अंदर, उसके लिए आपको डिज़ाइन करना होगा, या फिर वो अगर ज़्यादा ही गुस्से में रहा एग्जाम, मतलब जो पेपर निकालने वाला है, ठीक है, तो हो सकता है पूरा ही पूछ ले, तो डिपेंड करता है सब कुछ आपको अपनी तरफ से। देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं मैं कि आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी में जाना है, और जितना सवाल के अंदर आपको पूछा जाए उसी का जवाब देना है। ऐसा नहीं करना है कि कई लोग करते हैं टाइम पास के लिए, पता है आपको कि भाई एक सवाल के लिए, एक सवाल के अंदर जो आपको 7 मार्क्स का सवाल पूछा है उसके अंदर आपको एक ही कंडीशन के लिए डिज़ाइन करना है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं पेपर को भरने के लिए फालतू में जो है दूसरा जो आप उसका कंडीशन होती है उसे भी करके आ जाए, तो वो का मतलब नहीं होता, उसको 7 मार्क मिलने उतनी मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ पर जिस चीज़ को जितना लिखना है उस चीज़ को पहले समझो, सवाल को पहले समझो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टैंक आपकी यहाँ पर फुल ऑफ वाटर है और आउटसाइड कोई किसी तरह का सॉइल प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वही केस हो गया जो हमने पहले देखा था रेस्टिंग ऑन ग्राउंड वाला, ओके, नॉट आउटसाइड सॉइल लोड, हाँ वही वही, ठीक है, मतलब आपके सारे मैं समझ गया हूँ क्या कहना चाहते हो आप लोग। तो उसके लिए डिज़ाइन करना क्या होता है, बहुत आसान है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है ना। उसके अंदर करना क्या होगा आपको, क्योंकि अब ये कंटिन्यूस फ्रेम है, आपको पता है ये कंटिन्यूस फ्रेम पूरा एक्ट करेगा, तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो उसकी मोमेंट निकालनी होगी, ठीक है, उसकी मोमेंट निकालनी होगी। मोमेंट मान लीजिए ये टैंक है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे जो मैक्सिमम मोमेंट होगी वो निकालनी होगी, ठीक है, और ये मैक्सिमम होती है आपकी गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, वही आपकी मैक्सिमम मोमेंट होगी वहाँ पर, ठीक है। कितनी होगी मोमेंट, सॉरी ये आपका प्रेशर हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा प्रेशर कोई बताएगा मुझे, जल्दी करो, हरी अब प्रेशर निकाल लो, उसके बाद आप मोमेंट निकाल लो, मोमेंट निकालने के बाद उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के बाद मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको सपोर्ट मोमेंट मिल जाएगी, उसमें से सपोर्ट मोमेंट के बाद आप स्पान मोमेंट निकाल लो, स्पान मोमेंट निकालने के बाद आप डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल शुरू करो, डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल खत्म करो, एंड दैट्स ऑल। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो है हर एक स्टेप में आपको मॉडिफाइड मोमेंट निकालनी है, इसके अंदर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि क्या है देखो आपकी टैंक जो है यहाँ पर पूरी तरह से वाटर से भरी हुई है। अब पानी का जो प्रेशर होता है वो हमेशा आपकी टैंक के अंदर जो वॉल है उसमें उसको टेंशन फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। टेंशन फोर्स अप्लाई क्यों करेगा, क्योंकि पानी क्या करता है, आप एक अपने दिमाग से सोचो जरा, लॉजिक लगाओ कि जो पानी होता है वो क्या करता है, फैलने की कोशिश करता है, ठीक है, फैलने की कोशिश करता है पूरा। तो वहां पर वो दीवारों को बाहर की तरफ फेंक, अब चारों तरफ जो दीवार है वो बाहर की तरफ अगर जाएगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली टेंशन आएगा, ऑब्वियसली, एंड बिकॉज इट इज ये जो है यहां पर कनेक्टेड है, चारों तरफ से दीवारें कनेक्टेड है, तो उसके अंदर टेंशन तो आना वाजिब है, ठीक है। तो टेंशन आएगा, तो टेंशन जब आएगा डायरेक्ट टेंशन चारों दीवारों के अंदर, तो आपको चारों जगह आपको मॉडिफाइड मोमेंट निकालना इसके अंदर अनिवार्य, मतलब जरूरी हो जाता है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। मॉडिफाइड मोमेंट का मतलब पता है ना क्या होता है आपको, हम मॉडिफाइड मोमेंट क्यों निकालते हैं कि भाई मान लो हमारे पास जो एक्चुअल मोमेंट है वो 68 की है, एक्चुअल मोमेंट हमारे पास कितनी है 68 की है, लेकिन मान लीजिए किसी मेंबर के ऊपर डायरेक्ट टेंशन अप्लाई, मतलब डायरेक्ट टेंशन लग रहा है, और वो डायरेक्ट टेंशन जो है उसकी सेंटर पे नहीं बल्कि कुछ दूरी पर लग रहा है, इसका मतलब वो इसेंट्रिक हो गया, इसेंट्रिक हो गया तो वो डिस्टेंस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मोमेंट अपनी बनाएगा, मोमेंट जो है वो एक्चुअल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। तो वो जो मोमेंट हो रही, अब वो इस मोमेंट को वो मोमेंट रेजिस्ट करेगी कुछ हद तक, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी हद तक तो इसमें से रेजिस्ट कर लेगी, वो मान लीजिए कि उसकी 8 किलो न्यूटन पर मीटर की उसकी कैपेसिटी, मतलब वो जो मोमेंट आपकी हो रही है वो 8 किलो न्यूटन पर मीटर की हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि भाई 60 में से 8 किलो न्यूटन तो वो ऑलरेडी जो टेंशन अप्लाई हो रहा है वहां पर वो उसको रेजिस्ट कर लेगा इसमें से, तो फिर अब आपको क्या है 60 की ही बची है मोमेंट, 60 के लिए आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है, ठीक है। अगर मान लो कि आप यहां पर मॉडिफाइड मोमेंट नहीं निकालते हो तो इसका मतलब आप 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए एक्स्ट्रा बार यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं थी,
जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे क्या हो सकता है कि आपका एक तो स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी हो सकता है आपका इसके अंदर, दूसरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसके अंदर भी थोड़ा आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाइड मूवमेंट को निकालते हैं, ओके। तो ये एक मॉडिफाइड मूवमेंट का बेसिक कंसेप्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए, और कहाँ पे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मीर आई थिंक आपका यहाँ पर भी एक बार फिर से क्लियर हो गया होगा, उसके बावजूद भी हमारे प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो क्या है फिर, कितना आ रहा है आपका प्रेशर, कितना आ रहा है, जल्दी करो बताओ मुझे। और मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे इतनी देर लगेगी इसके अंदर। उजैर कह रहे हैं कि सर DRCS के भी लेक्चर लो। देखो DRCS के लेक्चर्स हमने ऑलरेडी ले लिए, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल के अंदर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिलेगा DRCS लाइव क्लासेस। DRCS लाइव क्लासेस के अंदर जो प्लेलिस्ट है एक बार उसे ओपन करो, वो खजाना है आपके लिए DRCS का, ठीक है, सॉरी DSS का आपके लिए खजाना है वो, ठीक है। DSS लाइव क्लासेस, ओके। तो 25 आ रहा है सभी का आंसर, सभी का आंसर आ रहा है उतना ही, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो बढ़िया है, इसका मतलब जो है यहाँ पर P जो है, P कह लो या W कह लो जो भी कह लो, ठीक है, 25 आपके पास आ रहा है, ओके। अब इसके अंदर से आप मोमेंट आसानी से निकाल सकते हो ना, अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स एंड मोमेंट की, ठीक है। तो मोमेंट आप निकाल सकते हो फिक्स एंड मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट ऑन फिक्स एंड मोमेंट ऑन A ड्यू टू B। अब ये सब चीज़ें तो मुझे फिर से आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ों को मैं पहले ही एग्जाम्पल से रिपीट करते आ रहा हूँ, तो अब मुझे इसको फिर से दोहराने की बिल्कुल आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो है ये मोमेंट ऑन A ड्यू टू D हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। जल्दी करो मुझे मोमेंट ऑन A भी बताओ, मोमेंट ऑन AD बताओ, हरी अब। हाँ सचिन आपको क्लियर है और सभी को क्लियर होगा ये, ठीक है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको इस क्लास को देखने का कोई अधिकार या कोई हक नहीं रहता है, क्योंकि आप जो है दिल से और शिद्दत से नहीं पढ़ रहे हो। एक ही मतलब है, एक ही मकसद है मेरा कि आप इस क्लास को दिल से पढ़ोगे, शिद्दत से पढ़ोगे, तब आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आएगा और आपको DRCS हो या DSS हो खूबसूरत सा सब्जेक्ट लगने लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो फिर ये आपके लिए जहन्नुम से कम नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट बन सकता है आपके लिए ये, ठीक है। चलिए सर फर्स्ट लेक्चर है शुरू से, वाटर टैंक कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट लेक्चर है आपका, कोई बात नहीं। तो शुरू से आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इसकी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ चैनल के अंदर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑन AB एंड मोमेंट ऑन कितना आ रहा है AB के लिए? 75 आ रहा है सभी का AB के लिए, -75, वेरी गुड। AB के लिए -75 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और AD के लिए कितना आ रहा है? AD के लिए कितना आ रहा है? -33.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स एंड मोमेंट आ गई है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है इसका। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो वही रहेगा जो हमने कंडीशन वन के लिए निकाला था, इसके अंदर तो कोई फेरफार नहीं होगी ना, ठीक है ना। अगर आप उसे एक बार फिर से कैलकुलेट भी करो तो आपके जवाब वही आने हैं, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 4EI/L ही होगा, तो वेरिएशन कुछ नहीं होगी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को दोबारा कैलकुलेट करने की और अपना समय वहां पर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत या कोई आवश्यकता वहां पर नहीं रहती, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों को फिर से रिपीट नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप लिख सकते हो अपने, ओके ना। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को लिखने के बाद आप उसके अंदर से फिक्स एंड मोमेंट ले लो। मुझे करने की ज़रूरत है ये एक बार फिर से, यस और नो? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करने की ज़रूरत है, यस और नो? पटेल वीरेन कह रहे कि सर कैन यू मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्लेस रेनफोर्समेंट और हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर टैंक? नहीं, मैं ये अभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वैसे मैं आपकी डिमांड की और आपकी ज़रूरत की कद्र करता हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी डियर, मैं अभी इन सब वीडियोज़ को, ऐसे वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर सकता हूँ। चलो तो हो जाएगा ना सभी का, ठीक है ना। तो सभी को मतलब अच्छी तरह से आ गया है अभी कि किस तरह से उन सब चीज़ों को टैकल किया जाता है। चलो तो इसका मतलब ये है, वहाँ से हमें जो है बेंडिंग मोमेंट हमें मिल रही है। हाँ अच्छा, बेंडिंग मोमेंट हमें सपोर्ट पे कितनी मिल रही है? एट सपोर्ट
हमें यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितनी मिल रही है, 58, ठीक है, 58 मिल रही है हमें, मतलब -58.33, ठीक है, सपोर्ट है। तो -58.33 हमें सपोर्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मिल रही है। अब हमें एज यूजुअल सेंटर के ऊपर, स्पान के ऊपर निकालनी होगी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट स्पान, सॉरी हाँ, एट सेंटर ऑफ स्पान ए बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ स्पान ए डी। तो चलो ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी करो। अब ये भी आपको इतना तो आता ही होगा क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी तरह से कुछ एग्जांपल्स को ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो इन सब चीज़ों के अंदर मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझाया था कि किस तरह से निकाला जाता है। तो ज़रा मुझे आप जल्दी जल्दी जवाब, और जिसके भी ये जब चीज़ें ऊपर से अगर जा रही हो या उनको ऐसा लग रहा हो कि सर हवाओं में पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, या हमें इसके अंदर दिक्कत हो रही है, या हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नहीं थे, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी आपके प्रॉब्लम हो वो ज़रूर मुझ तक शेयर करें, छोटे से छोटे सवाल भी आप पूछ सकते हो, ओके। वैसे भी हम इन सब क्लासेस को जो है, जो एवरेज और बिलो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे एनी टाइम लाइव स्ट्रीम के दौरान या लाइव स्ट्रीम के बाद पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है जुनून काजी, ओके कोई बात नहीं। दिल से स्वागत करता हूं। तो 54.20 जो भी आपका आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका 54.20 है। थोड़ा बहुत बाद में चलता है, ठीक है, पॉइंट के बाद कोई बात नहीं। एडी के लिए कितना है कोई बताएगा मुझे, कितनी आंसर आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है आपकी, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर स्पान एडी एट द सेंटर। वीडियो चिपक रहा था अभी, मुझे पता था, मैं मुझे पता चल जाता यहाँ पर वीडियो चिपक रहा था, लेकिन आप शायद नहीं हो रहा है अभी भी, अगर चिपक रहा है आपके अंदर तो फिर आप उसको, ठीक है, तो हो जाएगा सही। चलो तो -8.33, और किसी का आंसर आ रहा है कि ये, और किसी का आंसर आ रहा है -8.33? मिहिर का आ चुका है, मुश्ताक का आ चुका है, इज देयर एनीबडी एल्स हु इज गेटिंग दिस आंसर। कैलकुलेट कर रहे हो तो मुझ तक पहुंचाओ, टाइप करो कमेंट में, लिखो जल्दी जल्दी, कोऑपरेट करो, मजा आएगा, कम्युनिकेट करो। -8.33 आपका बिल्कुल सही जवाब है, -8.33 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहां पर कि भाई एक तो सपोर्ट मोमेंट निकाल ली और सेंटर मोमेंट निकाल ली, अब एक आखिरी चीज बचती है जो आपको पता होना चाहिए कि अब हमें टेंशन निकालना है, ठीक है, टेंशन इन एडी, सॉरी एबी एंड टेंशन इन एडी, ठीक है। अब ये भी जरा मुझे कैलकुलेट करके बता दो आप कि कितना हो रहा है टेंशन इन एडी और टेंशन इन एबी। इसके अंदर भी आपको मैंने पहले से ही फॉर्मूले बताए थे क्या होते थे, ठीक है, WL/2 जो भी फॉर्मूले आपके हैं, ठीक है, तो वो ज़रा बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, WL/2 ये बताओ, और ये भी वही WL/2 होगा, ये भी बताओ। हरी अब कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही हो तो वो भी बता दो मुझे, ठीक है। हाँ अहमद आपकी बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, 54.17 एंड -8.33 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 50 and 75 मिहिर का आंसर आ चुके हैं। अच्छा मिहिर, मुझे उम्मीद है कि आप ये खुद ईमानदारी से कैलकुलेट करके मुझे जवाब दे रहे होगे, ठीक है, तो उम्मीदों पर पानी मत फेरना मेरे। और कोई है जिसका जवाब ये आ रहा है, साहिल का भी आंसर आ चुका है, और कोई है, मुश्ताक अहमद और कोई जो जवाब देना चाहेगा, हाँ वेरी गुड मिहिर। तो 50 किलो न्यूटन जो है वो लॉन्ग वॉल के अंदर है और 75 किलो न्यूटन आपका शॉर्ट वॉल के अंदर है टेंशन, ठीक है, ये टेंशन हो गया पूरा। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे,
मुझे उम्मीद है कि आप तो को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम शायद हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे कोई चीज़ थी ही नहीं, है ना। सिंपल चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। चलो, तो अब ये सारे जो रिक्वायर्ड डेटा होते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को डिज़ाइन करने के लिए, सारे हमने अचीव कर लिए, सारे हमने नोन कर लिए। अब आपकी प्रोसेस क्या होती है, वही घिसीपिटी प्रोसेस, फिर से लॉन्ग वॉल को डिज़ाइन करो, उसके अंदर आपको मोमेंट, और क्योंकि टेंशन में है सारी वॉल्स, यहाँ पर इनसाइड जो है लिक्विड है और बाहर रिमोट फेस है, मतलब खाली है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले मोमेंट उसकी रख दो, सपोर्ट मोमेंट, उसके बाद टेंशन है, ओके टेंशन है, उसके बाद मॉडिफाइड मोमेंट निकाल लो। मॉडिफाइड मोमेंट निकाल लीजिएगा, बुक में आपको नहीं दिया है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ वहाँ पर करो, ठीक है, मॉडिफाइड मोमेंट करो वहाँ पर, मॉडिफाइड मोमेंट निकाल लो, हाँ टेंशन इन लॉन्ग वॉल, मॉडिफाइड मोमेंट निकालो फटाफट। अच्छा, आपको मैं ये सारे स्टेप्स करवाऊँ या फिर अगर बोल दूँ तो चलेगा, वरना आप कहोगे कि सर कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहे हैं। अगर मैं आपको, आप चाहते हो कि फिर से डिटेल में आपको करूँ, देखो इसके अंदर आपको बुक में जो है, मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों के पास बुक है वो शायद इसके अंदर कन्फ्यूज है कि सर यहाँ पर इन्होंने मॉडिफाइड मूवमेंट क्यों नहीं ली है, तो वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मॉडिफाइड मूवमेंट ले सकते हैं, आपको लेना है तो आप लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है, ले लीजिएगा मॉडिफाइड मूवमेंट, ले तो आपको एक फ्लो आपका बनता है, आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडिफाइड मूवमेंट आप बेशक वहाँ पर ले सकते हो, मॉडिफाइड मोमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप सीधे उस मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो AST, एंड टेंशन के लिए AST प्रोवाइड करो, ठीक है। सिमिलरली आप वहाँ पर शॉर्ट वॉल के लिए कर सकते हो। तो क्या लगता है आपको, मुझे ये सब चीज़ें और फिर से दोहराने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर है तो लिखो यस, अगर नहीं है तो लिखो नो। जल्दी करो यार फटाफट, नॉर्मल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, आसान है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको अब तक शायद ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अब नहीं है, आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस सा आपके अंदर जाग उठा होगा कि अब हम कर सकते हैं ना, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, इसको बस समझने की ज़रूरत है और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आसानी से आसान भाषा में समझोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, वरना फिर मुश्किल तो है ही सब, है ना, ठीक है। मॉडिफाइड मोमेंट आपको हर जगह निकालनी है इसके अंदर, अगर आपकी वॉल अंदर से पानी उसके अंदर भरा हुआ है तो टेंशन में होगी ऑब्वियसली, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट टेंशन लगने ही वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट टेंशन की वजह से आपको वहाँ पर मॉडिफाइड मोमेंट निकालना ज़रूरी होता है, तो निकाल लीजिएगा हर जगह पे, ओके। वैसे भी इसका देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडिफाइड मोमेंट वगैरह निकालना है, और ये जो वाटर टैंक है, ये ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही रेयर आपको बुक्स में मिलेंगे, ये मिसेलिनियस टॉपिक जो होते हैं उनमें से एक आता है, जैसे कि हमारे जो रिटेनिंग वॉल्स है या फिर वाटर टैंक है, ये जो ऐसे टॉपिक है, ये एडिशनल टॉपिक या फिर मिसेलिनियस टॉपिक जिसे कह सकते हो, ऐसे टॉपिक में आता है ये सारी चीज़ें। इसके अंदर जो प्रोविजंस होता है वो डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस होता है कि भाई जो बंदा इस चीज़ को बना रहा है तो उसका एक्सपीरियंस इसके अंदर कितना है, और उसको पता होता है कि अगर इस चीज़ को अंदर मैं यहाँ पर इतना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूँगा तो इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो वो सब डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के क्लैरिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी कि हम मॉडिफाइड मोमेंट कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं, कर्टेलमेंट वगैरह भी जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर टॉपिक है सारे, यहाँ पर भी आप कर्टेलमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है, उसे ही पता होता है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सभी का जवाब मैंने देखा कि आप नहीं चाहते हो कि फिर से इन सब चीज़ों को मैं दोहराऊं, ठीक है। अब आखिरी चीज़ होती है यहाँ पर कि भाई हमारा जो बॉटम पोर्शन था कैंटिलीवर का, है ना, कैंटिलीवर का बॉटम पोर्शन था। देखो मैं इन सब चीज़ों को वापस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। साहिल ने कहा, मुझे मिहिर ने कहा, अहमद ने कहा, मुश्ताक ने भी शायद कह दिया है कि सर करने की फिर से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यस यस वी कैन फॉलो दिस सेम मेथड ऑन साइड एज वेल, डोंट वरी, आप साइड पे भी इसे फॉलो कर सकते हो। चलो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस इसके अंदर ज़रूरी होता है, और इस कोड को तो आप फॉलो पूरा कीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा, डिस्कशन मान लीजिए आपसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को IS कोड का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। IS कोड के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कहाँ है, क्यों है, किस ये है, तो इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं है। हालांकि IS कोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, समझना और उसको सीखना, लेकिन IS चाहे कॉलेज हो या फिर कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हो, IS कोड के ऊपर वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं।
तो मैं ये अंदर से चाह रहा था, मैं ये प्लान कर रहा था, सोच रहा था बैठे बैठे कि क्यों ना एक मैं ऐसी सीरीज शुरू करूं जिसके अंदर सिर्फ IAS कोड को ही डिस्कस किया जाए, सिर्फ IAS कोड के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस को हम डिस्कस करें कि ये टॉपिक ये क्लॉज में क्या है, ये क्लॉज में क्या है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा प्लान कर रहा था, मैं सोच रहा था अभी, ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज देखो, आप कुछ भी कर लो, IAS कोड आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग फील्ड में खास करके आप जाते हो अगर, तो IAS कोड आपके लिए एक ग्रंथ है, ग्रंथ, ठीक है, हॉली, एक हम कहते हैं ना हॉली बुक, तो वो है। तो IAS कोड का ज्ञान तो होना ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे आपका सहयोग मिलता है तो हम अवश्य इस चीज़ को हमारी चैनल के ऊपर शुरू करेंगे, इस सीरीज़ को। तो देखते हैं इसके आगे, और मैं कुछ ख़ास बातें आपसे करूँगा इसके बारे में। फ़िलहाल एक मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये पॉइंट क्लिक हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे जो भी इसकी डिसीजन होगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो सचिन कह रहे हैं कि सर एक मिनट, संदीप क्या कह रहे हैं कि सर ऑल कोड रिलेट टू बिल्डिंग ऑल अदर स्ट्रक्चर। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सर टू नो IAS कोड। येस ऑफ कोर्स, इन कॉलेज दे डोंट टीच इन डेप्थ। या आई नो दैट सॉरी ही, ठीक है, करते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो चलो हम बॉटम एक यहाँ पर आ जाते ज़रा, और ये बॉटम का जो कैंटिलीवर पोर्शन है इसको डिज़ाइन करते हैं, और बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो, बॉटम के अंदर क्या है, बॉटम का जो पोर्शन है आपका, ठीक है, बॉटम के पोर्शन के अंदर हमने देखा कि वो एज अ कैंटिलीवर पोर्शन वहाँ पर एक्ट करेगा। उसकी हाइट कितनी थी कोई बताएगा मुझे? स्मॉल एच की वैल्यू कितनी थी कोई बताएगा ज़रा मुझे? अगर आपका ध्यान होगा तो आप बता सकते हो मुझे। जल्दी चालू करो सर। ठीक है, जल्दी चालू करेंगे। ये देखो, मैं मतलब अभी कई कल परसों शुरू नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी सिर्फ प्लान कर रहा था। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो अभी आने वाले हैं हमारे पास, जैसे कि अभी DRCS चालू है, और अभी AutoCAD की क्लासेस भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। उसके बाद ETAPS की क्लासेस का सेकंड बैच शुरू होने वाला है, ऑलरेडी फर्स्ट बैच चालू है। तो ऐसे बहुत सारे, अभी स्टेट प्रो भी हम शुरू करने वाले हैं आपको सिखाना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अभी टॉपिक्स है, मतलब ऐसे बहुत सारे अभी सब्जेक्ट्स है, लेक्चर्स है जो चलेंगे, तो थोड़ा टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अभी कन्फ्लिक्शन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर टाइमिंग, क्योंकि 7 बजे के पहले मुझे टाइम नहीं मिलता, 7 बजे के बाद आप शायद नहीं आ सकते वगैरह, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। सारे बच्चे लोग, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर जो है अभी कॉलेजेस के अंदर है, ठीक है, कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो मतलब दिन में तो कोचिंग क्लास को यहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते, रात में ही करेंगे। लेकिन रात में फिर अब हर चीज़ को रात में ही रखना, कितना रख सकते हैं हम लोग? हम अगर DRCS को भी रात में ही रख दे, ETAPS को भी रात में ही रख दे, स्टेट प्रो को भी रात में ही रख दे, AutoCAD को भी रात में ही रख दे, या फिर हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं अभी स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी शुरू करने वाला हूँ, तो उसको भी रात में रखें, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ, देखते हैं अभी क्यों भी, जो भी सॉल्यूशन निकले उसके पर बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो क्या था यहाँ पर, ये हाइट जरा मुझे बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये जो बॉटम कैंटिलीवर पोर्शन था हमारा, उसकी हाइट कितनी थी मुझे ये जानना है। और जिसने अब तक इस लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक करो, जल्दी करो। गैनेशन whatever the name is, I'm sorry, I cannot pronounce your name properly, so I'm sorry for that. I don't know Hindi, so please answer for me in English. What is your question, dear? I'm sorry. So H is equal to 1 meter. और कोई है जिसको पता है ये height? एक मिहिर ही ऐसा बंदा है यार जो मुझे perfect timing पर जवाब देता है, मतलब बाकी लोग पता नहीं क्या करते हैं। तो जल्दी करो, हरी अप, आंसर दो मुझे जल्दी जल्दी। आई हैड गिवन अबोव ब्रो, आई एम सॉरी ब्रो, आई मिस्ड दैट ब्रो। आई नो टू गिव इनपुट्स टू द स्टैट प्रो एंड एनालिसिस, बट आई डोंट नो व्हाट रिजल्ट हैज टू बी टेकन एंड गिवन टू द एक्सेल एंड डू डिटेलिंग। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट फॉर दैट ओनली, I mean, for the whole procedure, we are going to start the online coaching courses of Stat Pro. Okay, currently we are having online coaching course of ETAPS, and we are planning to move ahead for ETAPS also. Sorry, Stat Pro also.
So don't worry, we will cover these all topics, your all doubts in that course. And remember one thing, that our upcoming courses and all these courses will be paid only. ठीक है, ओके. वो हिंदी कभी कभी निकल जाती है, ठीक है, ठीक है वगैरह बीच में बीच में. सो दिस ऑल विल बी द पेड कोर्सेज, ओके. तो 0.87 मुश्ताक, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ठीक है, तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आपको मुझे अब करेक्ट आंसर देना होगा, मतलब राउंड अप करके 1 मीटर हो रहा था. ठीक है, राउंड अप करके कितना हो रहा था, 1 मीटर, जो मेन ने बताया. ठीक है, आपके भी आंसर सही थे, एक्यूरेट थे, बहुत अच्छी बात है. सो वेरी ओके ओके, आई विल इन्फॉर्म यू वेन यूर वी विल स्टार्ट दैट कोर्स, आई विल इन्फॉर्म यू. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ETABS ऑल्सो, देन यू कैन ज्वाइन अस नाउ, ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन. ओके, सो इज देर एनीबडी एल्स हु वॉन्ट टू गिव द आंसर ऑफ दिस एच, सॉरी, और कोई है जो आंसर देना चाहेगा इसका? वैसे इंग्लिश अपन की भी थोड़ी वीक ही है, आपको पता होगा इस सभी को. देखो इंग्लिश जो है ना भाई, मैं क्या समझता हूँ, जो सबसे पहले सबसे बड़ा जो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो भाषा को लेकर हो रहा है. आप कहीं भी कॉलेजेस के अंदर देख लो, या फिर आप इंटरव्यूज में देख लो, या फिर बाहर जॉब वगैरह में देख लो, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डर हमारे अंदर जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है. और मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे इस देश में इतना इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो लेन देन, जो डेली लाइफ में जो मोस्ट प्रिफरेबल लैंग्वेज जो है वो हिंदी होती है भाई, या फिर हमारी जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो है. तो फिर इंग्लिश को इतना क्यों हम महत्व देते? नो डाउट इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज, इसे समझना जानना, लेकिन बोलना ये ज़रूरी नहीं है. मैं नहीं मानता हूँ कि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह अब आप ही देख लो, अगर जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि अभी मैं आपको इस लैंग्वेज के अलावा आपको इंग्लिश में समझा दूँ, तो आपको क्या समझ आएगा, आपको क्या मज़ा आएगा इसके अंदर, मुझे ये बताओ. तो पता नहीं आज हमारे सोसाइटी के अंदर इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है. यार समझना है तो अपनी जो कोर लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखते हुए समझो. सो हाँ, तो सॉरी मैं ज़रा भाषण मोड में चला गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. हाँ, तो कौन है ये श्री, आपका नाम बड़ा पेचीदा है भाई, श्रीनिवासु, ओके श्रीनिवासु. व्हाट आई वांट, मतलब व्हाट यू हैव टू डू फॉर ETABS, नथिंग नथिंग डियर, जस्ट गो बिलो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट वरी, डू वन थिंग, go to our channel and search for ETABS live course announcement, a video, there is a video, okay, go to that video and go to the description of that video, then there will find a link of our WhatsApp group from which you can join us over there, okay. And if there any, English is only language not education, yeah of course. तो सर चको हवे क्या रे, चको हवे क्या रे, एटले सर हालो ने, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो यार चलो ठीक है ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो. 1 मीटर की आपकी यहाँ पर, बाकी बातें हम थोड़ा इसको ख़त्म करके करते हैं, ठीक है चलो. तो 1 मीटर की यहाँ पर हमारे पास हाइट है, हमारे पास कितनी हाइट है, 1 मीटर की हाइट यहाँ पर है. तो 1 मीटर की हाइट जो कैंटिलीवर पोर्शन हमारा है, तो इस कैंटिलीवर पोर्शन को हमें डिज़ाइन करना. अब डिज़ाइन देखो, आप अगर कंडीशन वन को देखोगे ना, तो कंडीशन वन के लिए क्या है यहाँ पर, कंडीशन वन हमारी क्या थी कि हमारी टैंक जो अंदर से खाली है और बाहर से सॉइल प्रेशर है. कंडीशन टू हमारी क्या थी कि टैंक हमारी अंदर से भरी हुई है और बाहर से कोई सॉइल प्रेशर नहीं है, ठीक है. अगर हम इसका प्रेशर देखिए कि मान लीजिए कंडीशन वन के लिए अगर हम देखें, हम तो प्रेशर कितना आएगा इसके अंदर, कंडीशन वन अगर देखें, मतलब आपकी टैंक अंदर से खाली है और बाहर से सॉइल प्रेशर, तो इसका प्रेशर कितना आएगा. तो प्रेशर इसके लिए आपको निकालना क्या होता है कि भाई के ए इंटू गामा डैश इंटू स्मॉल एच, यही होगा, सॉरी कैपिटल एच सारा होगा, पूरा ऊपर से आएगा पूरा, ठीक है कैपिटल एच यही होगा ना पूरा आपका, ये आपका सॉइल की वजह से हो रहा है, प्लस आपका गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच,
ये आपका जो है क्या होगा, कंडीशन वन के लिए होगा, ये आपका क्या होगा कंडीशन वन के लिए होगा, और कंडीशन टू के लिए क्या होगा आपका सिंपल प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच, क्योंकि अंदर से पानी होगा वही उतना। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, मुझे बताओ कि सर मैक्सिमम कौन सी कंडीशन में आपको प्रेशर मिल रहा है, मैक्सिमम कौन सी कंडीशन के लिए आपको प्रेशर मिल रहा है, पहले मुझे कैलकुलेट करके बताओ। देखो के की वैल्यू 1/3 आपको पता है, ठीक है, आपको ये पता है गामा डैश की वैल्यू 10 है आपको पता है, सॉरी 8 है, 8 है या 10 है, 10 है, ठीक है 10 है आपकी गामा, अच्छा गामा डैश की वैल्यू आपकी 10 है। एच जो है आपका शायद 3 मीटर था ना, एच कितना था आपका 3 मीटर था या फिर 3.35 मीटर समथिंग था, है ना, जो भी आपका था एच कैपिटल एच जो भी है 3.5 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर आपका कैपिटल एच था, ये 3.35 जो भी था 3.35 आपको लेना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल 3.5 लेना है आपको वैसे तो, क्योंकि टोटल हाइट आपकी लेनी होती है, ठीक है, आपको टोटल हाइट इंक्लूडिंग फ्री बोर्ड आपको टोटल हाइट लेनी नहीं है, वैसे तो 3.35 आना चाहिए क्योंकि जो वाटर प्रेशर होगा वही वहां पर आएगा, तो 3.5 का तो उसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है, है ना, हाँ लेकिन ये हम क्योंकि यहां पर जो है सॉइल की बात करें तो सॉइल तो यहां तक पूरी फिलअप होगी ना, तो ये सॉइल की वजह से है पूरा, इसलिए टोटल 3.5 होगा, ठीक है, और जब हम वाटर की बात करेंगे तो 3.35 होगा, ओके ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर लीजिए, है ना, हाँ तो जरा बताओ मुझे फटाफट कितनी वैल्यू आ रही है आपकी हरी, अब जब तक मैं कुछ लोगों के यहाँ पर जवाब दे देता हूँ। सर एनी ऑनलाइन वीडियो कोर्स फॉर ईटेप्स, लिसन वी आर ऑलरेडी हैविंग द ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ ईटेप्स, बट इट इज ओनली इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश, if you are unable to understand hindi language then I'm sorry for that dear, but if you are comfortable with hindi then it is a golden chance for you to join us for ETABS, okay, theek hai, to kitna aa raha hai 44.33 aapke paas iska jawab aa raha hai pehle ka, theek hai, ab zara mujhe ye batao iska pressure kitna aa raha hai gamma w into h matlab kitna ho raha hai gamma w into matlab 10 into आपकी टोटल हाइट, सॉरी वाटर की हाइट होगी इसके अंदर, ठीक है वाटर की हाइट होगी क्योंकि गामा डब्ल्यू इंटू एच मतलब वाटर की हाइट होगी, ये तो 3.35 लेना है, जरा वो मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो 44.33 आपका पहला, हाँ ठीक है कोई बात नहीं माई फ्रेंड आई एम वेटिंग फॉर यू डोंट वरी अबाउट दैट। गामा 8 लेना है या 10 लेना है, अरे गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड 18 है माइनस गामा डब्ल्यू 10 है तो ये 8 हो रहा है, फिर सॉरी 8 हो रहा है ना, तो 8 है, हमने 8 लिया था ना, कितना लिया था हमने पहले 8 ही लेना है आपको, सॉरी मैंने आपको 10 बताया था ना शायद, सॉरी यार मेरी भूल है वो, फिर तो आपको 8 लेना है, ठीक है 8 आएगा गामा डब्ल्यू, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है चलिए तो आगे बढ़ो फटाफट, कितना आ रहा है। पटेल वीरेन कह रहे हैं कि विच बुक इज बेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वेयर आर यू डियर, आप कहां से हो, हाँ 8 लेना है, ठीक है ठीक है, तो जवाब बताओ मुझे जल्दी जल्दी कितना आ रहा है इसका, कम ऑन हरी अप हरी अप हरी अप, कितना जवाब आपको मिल रहा है मुझे ये बता दो, तो हम आगे बढ़े, उससे पहले आप कैलकुलेट कर लो, मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ, ठीक है। GTU बोर्ड के लिए हो तो भाई आप अतुल यूज करो यार, इट इज द बेस्ट बुक फॉर GTU स्टूडेंट्स, ठीक है आपके लिए तो ग्रंथ मान लो इसको आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स पेपर्स सारे पेपर्स मतलब GTU के सारे पेपर्स इसी के अंदर से आते हैं, चाहे वो मीड हो या फिर GTU हो, ठीक है तो GTU के लिए आपको RP रिटेलिया सर की अतुल की बुक बेस्ट है, अगर आप GTU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो फिर आपके लिए ये बुक यूजलेस है, ठीक है मतलब इतनी भी नहीं थोड़ी बहुत, ठीक है लेकिन GTU के लिए ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, अगर आप फिर आगे आपकी कोई ज़्यादा सोच है तो फिर आप रेफरेंस बुक वगैरह भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है एन सुब्रमण्यम हुई या फिर भाभी कट्टी हुई या फिर एस के दुग्गल वगैरह, ऐसे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है जो आप प्रीफर कर सकते हो। चलो
तो शुरू करें फिर आगे, कितना आंसर आ रहा था कोई बताएगा मुझे? आंसर 24433। दूसरा भी वही आ रहा है क्या आपका? सेकंड आंसर भी आपको वही आ रहा है क्या? 443 आ रहा है आपका आंसर? थर्टी फाइव आ रहा है। 443 मिहिर का क्यों अलग आ रहा है, आपका क्यों अलग आ रहा है, ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है आपके बीच में? वाई यू आर कन्फ्यूजिंग गाइज? कितना आ रहा है आपका आंसर? 10 into 3.35, बिकॉज ये जो अंदर प्रेशर लगेगा ये सिर्फ वाटर की वजह से लगेगा, ये सिर्फ वाटर की वजह से लगेगा, ठीक है? तो आपको 10 into 3.35 लगेगा, क्योंकि वाटर हम कहाँ तक उसके अंदर भर रहे हैं, जितनी हमारी वाटर की डेप्थ थी, हम फ्री बोर्ड के अंदर तो वाटर नहीं भर सकते हैं ना, ठीक है? तो वाटर हमें जो है 3.35 तक ही होता है, तो वहां तक ही हमें हाइट लेनी है। इसका मतलब देखो, अब मेन मुद्दा आपको मैं क्यों कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूं, अब जरा सुन लो, मेन फोकस की जो चीज है वो, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इसे वर्स्ट कंडीशन के लिए डिजाइन करना होता है, सबसे एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। इसके अंदर से एक्सट्रीम लोड कौन सा है? 44.33। सिंपल है, इसलिए हम इसी कंडीशन के लिए, इसे पहली कंडीशन के लिए हम इसे डिजाइन करेंगे, ना कि सेकंड कंडीशन के लिए, ठीक है? दोनों कंडीशन के लिए डिजाइन करने की इसकी जरूरत नहीं है, आप एक कंडीशन के लिए डिजाइन कर लोगे तो वो दूसरी कंडीशन के लिए उसे आराम से बियर कर लेगा, है ना? ये इसका अर्थात था आपको इतनी मेहनत करवाने का। चलो तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करना है, बस हमें प्रेशर यहां पे मिल गया है, हमें क्या करना है, प्रेशर हमें मिल गया है, ठीक है, पूरी तरह से। तो अब यहां से मोमेंट निकाल सकते हैं, मोमेंट निकाल सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू सी जी, ठीक है, वही होता है, मतलब लोड इंटू सी जी होता है। मोमेंट की अगर हम बात करें तो हाफ इंटू बेस मतलब 44.33 इंटू सी जी मतलब आपका जो टोटल हाइट होगी उसकी, ठीक है, कैपिटल एच बाय 3। आप निकाल लो फटाफट जल्दी जल्दी और मुझे कैलकुलेट करके बता दो। सॉरी, यहाँ पर स्मॉल एच होगा क्योंकि हम कैंटिलीवर पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी मैं भी बहक जाता हूँ खैर जो भी, तो जल्दी करो मुझे आंसर बताओ उसका कितना आ रहा है, कम ऑन हरी अप, और इसका मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 7.38 आपका आंसर आ रहा है। और किसी का आंसर आ रहा है इसी के सिमिलर या फिर यही आंसर 7.314? बहुत खूब, और कोई एनीबडी एल्स? और अब तक ऑटो कैड वाले बंदों ने या बंदियों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोगों ने अपना होमवर्क सबमिट करवाया है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? आपका ये मैं इंटरेस्ट देख रहा हूँ, कितना आप काम कर रहे हो इसके अंदर। छोटा सा होमवर्क मैंने आपको दिया था, उसको मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ वेरी बैड साइन। चलो तो कितना आ रहा है आपका, 7.38, ओके, तो 7.38 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ रही है, ठीक है? अब बस इसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या करोगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो AST फॉर मोमेंट के लिए। कितना रेनफोर्समेंट होगा आपका वो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो और इसको यहाँ पर ख़त्म करो, इसको यहाँ पर ख़त्म करो, ठीक है? और इसके अंदर कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंडीशन, मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, बाकी तो कोई चीज़ बची नहीं है इसके अंदर, है ना? बहुत सिंपल चीज़ थी ये। तो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम माटे इंडिया नी वेबसाइट केवी छे, इंडिया बिक्स? देखो इसके बारे में तो मैंने अब तक देखा नहीं है इसको, वेबसाइट को पहली बार आपके तरफ से सुन रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैं देखता हूँ पहले तो कैसी वेबसाइट है, क्या है, उसके बाद मैं आपको कुछ इसका रिव्यू दे सकता हूँ साहिल, ठीक है? उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ओके? तो आई एम सॉरी, अभी मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं देखता हूँ इंडिया बिक्स, देखता हूँ मैं इसके बारे में, ठीक? अगर देखने के बाद मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये बेहतर है, तो आप उससे प्रीफर कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, वैसे किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप साहिल,
किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, आप ज़रा बताओ मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता देगी आपको। इंडिया बिक्स मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वरना मैं भूल जाऊँगा फिर, ठीक है। IndiaBix.com है ना, IndiaBix.com वेबसाइट है ना पूरी ये। हाँ अहमद, वेरी गुड, आपका जवाब मुझे मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एडिशनल असिस्टेंट इन सिविल इंजीनियर, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तैयारी करो खूब अच्छी से तैयारी करो, कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे पूछो आप, ठीक है। चलो तो 7.44 चंदन कुमार, आइए स्वागत है आपका और आपके जवाब का। तो भाई साहब आज, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सर्वे के सर्वेयर के लिए भी कर रहे हो, अच्छी बात है, करो करो, खूब मेहनत से करो, दिल लगा के करो, शिद्दत से करो, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी इसके अंदर, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए तो आज की इस क्लास के अंदर हमने जो है बड़ी अच्छी तरह से ये देख लिया कि कंडीशन 2 के लिए लॉन्ग वॉल को और शॉर्ट वॉल को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, और वहाँ पर जो बॉटम पोर्शन था उसको किस लिए डिज़ाइन करना है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर से हम ये देखेंगे कि जो हमारा बॉटम स्लैब है उसे किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, बॉटम स्लैब को डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सचिन देशमुख कह रहे कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन ETABS, विल यू कवर डिटेलिंग ऑफ मेंबर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग ETABS रिजल्ट। नो नो, डिटेलिंग हम उसके अंदर नहीं, क्योंकि ये देखो अभी क्या है, हमारा बेसिक कोर्स है ETABS का, बेसिक कोर्स मैं करवा रहा हूँ आपको। इसके अंदर मैंने दो अलग अलग भाग कर दिए एक्चुअली, एक बेसिक का अलग से कोर्स और एक एडवांस का अलग से कोर्स। मैंने इसलिए किया है ये क्योंकि एडवांस के अंदर लोगों को दिक्कतें होगी कंसेप्ट को लेकर, ठीक है, फंडामेंटल्स को लेकर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एडवांस ऐसी चीज़ें होती है स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको बी लेवल पर नहीं सिखाई जाती, जो एडवांस में काम होती है, ठीक है। तो पहले तो आपको बेसिक कोर्स करवा दूंगा मैं, बेसिक कोर्स करवाने के बाद आपको थोड़ा एडवांस सीखने के लिए कुछ मटेरियल्स मेरी तरफ से हो सके तो प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको फिर मैं बता दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को जो है तैयार कर लो अपनी तरफ से। उसके बाद अपन जो है एक महीने के ब्रेक के बाद अपन एडवांस कोर्स को शुरू करेंगे, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेलिंग विटेलिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक, मतलब मैं नहीं करवाने वाला हूँ, फैकल्टी मैंने इसलिए हायर किया अलग से, ठीक है। बढ़िया फैकल्टी है, अब तक जो हमारा पहला बैच इसके अंदर चल रहा है, पहला बैच, ओके, वो बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, खुश है और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ETABS को लेकर और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कंटेंट आपको अगर जानना है कि कौन कौन सा कंटेंट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप जो है वहाँ पर एक काम करो, वहाँ से मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज्वाइन करके DM करो, मैं वहाँ से आपको वहाँ पर मतलब ETABS के अंदर जोड़ लूँगा, ठीक है ना। तो जैसे आप चाहते हो आप कर सकते हो, यह आपके लिए मैंने फुल रिलायबिलिटीज़ दे रखी है आपको, ओके। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखो टेक्निकल सिविल के ऊपर आप एक बार आ चुके हो तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, और जिस चीज़ की आज स्टूडेंट को ज़रूरत है मैं वही सारी चीज़ों को लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बस आप बने रहो हमारे साथ, पूरा अपना सपोर्ट और प्यार जताते रहो, बरसाते रहो, हम बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत कुछ चीज़ों को आपको सिखाने वाले हैं, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स हो या फिर सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे वो प्लानिंग से लेकर हो या डिज़ाइनिंग से लेकर हो, या कुछ अब हम जो है कुछ नई चीज़ें भी लाने वाले हैं, जैसे कि कुछ साइट ऑन साइट जो वर्क्स होते हैं, ऑन साइट जो प्रोसेस होती है, ठीक है, कुछ टेस्ट को लेकर, कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को लेकर, इन सब चीज़ों को भी मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ बाहर का भी थोड़ा तजुर्बा हो सके, क्योंकि बाहर आपको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, है ना। तो चंदन कुमार कह रहे कि सर विल यू गिव लेक्चर्स अबाउट स्टैट प्रो, मतलब लेक्चर्स मतलब आप अगर सीखना चाहते हो कोर्स को, तो इसके लिए हम कोर्स बहुत कम समय में शुरू करने वाले हैं, अभी कुछ
दिनों के अंदर ही मैं इसके लिए भी अनाउंसमेंट कर दूंगा आपको। तो कोर्स शुरू होने वाला है इसका भी, स्टैट प्रो का। लेकिन अगर आपको स्टैट प्रो की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानना है तो हमने हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अप्लाई बनाया है जिसके अंदर स्टैट प्रो और ईटैप्स का मैंने कंपैरिजन किया है, जो कि लाइव था हमारा, ठीक है, वो लेक्चर भी। तो आप उसे देख लो, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, स्टैट प्रो के बारे में। और हाँ सचिन, हम IAS कोड की सीरीज़ को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, हमारा प्लानिंग अभी बहुत आगे, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे। सब्सक्राइबर और फैमिली हमारी बड़ी जितनी होगी उतने ज़्यादा हम हमारे चैनल के ऊपर सब्जेक्ट्स को, कंटेंट्स को लाने की कोशिश करेंगे। तो बस पहले तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। सर ऑटोकैड के बाकी क्लास कब से होगे, मतलब कब से होगा? तो ऑटोकैड का जो बाकी के आने वाले क्लासेस है, मैंने आपको एक शर्त रखी थी और उस शर्त को लेकर मैं अटका हूँ। शर्त है कि जब तक आप मेरा दिया हुआ होमवर्क मुझे सबमिट नहीं करोगे तब तक हम आने वाली क्लासेस को शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। होमवर्क क्या है वो आप अगर ऑटोकैड के व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। और हमजा कह रहे कि सर PDF कहाँ पर है, साइट पर नहीं मिल रहा है। किस चीज़ का PDF आपको चाहिए हमजा, किस चीज़ का PDF आप ढूंढ रहे हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, ज़रा बताओ मुझे। क्योंकि PDF कुछ अवेलेबल है कुछ नहीं है, बीच में एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था इतना, इसलिए। सर वेबसाइट जो ही ले जो हो, हाँ मैं ज़रूर देखूँगा, चिंता मत करो आप साहिल, चिंता मत करो। स्टील का तो है वेबसाइट के ऊपर। एक काम करो, वहाँ पर PDF सेक्शन होगा या फिर कंटेंट आप अगर देखोगे, ठीक है, तो कंटेंट्स को लेकर आपको एक ऊपर मिलेगा बार, ठीक है। तो कंटेंट्स के अंदर जाओ, उसमें आपको स्टील RCC और वगैरह मिलेगा, तो आप स्टील में जाओ, स्टील के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर PDF में जाओ या फिर नोट्स में जाओ, आपको मिल जाएगा, सेक्शन तलाश करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। आपको वहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने अपलोड कर रखी है, मुझे याद है, तो आप थोड़ा ढूंढो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो चलो आज की इस क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, ओके, ठीक है। आप सभी को मेरी और टेक्निकल सिविल की ओर से शुभ रात्रि, वेरी गुड नाइट, ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।